वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही है। इस महामारी का प्रभाव जिले में भी, देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा में चुनाव होने के कारण, आचार संहिता के कारण प्रशासनिक अमला पूरे जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला व पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह के संयुक्त निर्देशन में प्रशासनिक अमला अलर्ट है। थाना प्रभारी कन्नौद नरेंद्र बहादुर सिंह परिहार ने अमले के साथ थाना परिसर से नगर के मुख्य मार्ग से नगर परिषद चौराहे से कन्नौद के विभिन्न मोहल्लों गलियों में देर रात तक पैदल मार्च निकाला। थाना प्रभारी परिहार ने बताया कि यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त को लेकर व्यापारियों को हिदायत दी, दुकानों के आगे अतिक्रमण न करें व लापरवाही पूर्वक ग्राहकों को वाहन हर कहीं खड़ा नहीं करने दें। मुख्य मार्ग पर यातायात व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सहयोग बनाए रखने की बात कही। थाना प्रभारी नरेंद्र बहादुर सिंह परिहार ने फ्लैग मार्च के दौरान प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर शिवदयाल सिंह, एएसपी सूर्यकांत शर्मा, एसडीओपी ब्रजेश सिंह कुशवाहा के निर्देशन में अवैध कारोबारी एवं माफियाओं गुंडा तत्वों पर लगातार कार्यवाही की जाकर जेल भेजा जा रहा है। आगामी पर्व नवरात्रि, दशहरा, शरद पूर्णिमा, दीपावली को लेकर शासन प्रशासन के निर्देश व गाइडलाइन के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव व जागरूकता अभियान के साथ क्षेत्र की जनता से शांति एवं सौहार्द भाईचारे के साथ त्योहार बनाने व प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में क्षेत्र की जनता से सहयोग की अपील की है। पूर्वक हर त्योहार को मनाएं, आपसी मेलजोल रखें, लोगों में आपसी विवाद न करें, यही चाहता हूं। नगर सुरक्षित रहे, सब लोग प्रेम से रहें। कन्नौद नगर की जनता से, जनता का एक निवेदन है आपके लिए जी, कि दिन में मुख्य मार्ग है, इसमें ट्रैक्टर की ट्राली भी, चार पहिया वाहन भी आते हैं, जो बाहर की ओर जाने वाले वाहन है वो बाईपास से होकर जाए, इसको आप क्या समझते हैं इस व्यवस्था को? प्रयास करूंगा, बाहर के लोग आते हैं उनको बाईपास का रास्ता मालूम रहता है तो गलती से बीच बाजार में घुस जाते हैं, फिर भी बैरिकेड लगाऊंगा ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि बाईपास। नगर निगम से निवेदन। आर्ट इंडिया न्यूज देवास से चंचल भारती की रिपोर्ट।